हमीरपुर निजी सचिवालय की तीसरी मंजिल में कार्यरत कैंटीन में गैस के सिलेंडर आगजनी की घटना से सुबह अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग कैंटीन के चाय बनाने के लगाए गए गैस सिलेंडर में लगी, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। आग पर अगर समय रहते काबू नहीं कर लिया जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गौरतलब है कि सचिवालय की तीसरी मंजिल में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के अलावा पुलिस विभाग के कार्यालय काम करते हैं। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार आग कैंटीन के रसोई घर में लगे गैस सिलेंडर में लगी, जिसे तुरंत ही खिड़की से बाहर फेंक दिया गया और बाद में धरातल पर इस सिलेंडर को बुझाया गया। मौके पर पहुंचे फायर ऑफिसर राजेंद्र ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली थी उपायुक्त कार्यालय में आग लगी है, वैसे ही टीम सहित मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर को नीचे फेंकना गलत निर्णय था, क्योंकि नीचे पार्किंग होने के कारण यदि सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय के हर मंजिल पर आग बुझाने के यंत्र होने के बावजूद उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। ड्राइवर ने मेरे को सूचना दी कि ऐसे ऐसे इसमें डीसी ऑफिस के अपर फ्लोर पे किसी एलपीजी के सिलेंडर में आग लगी है और उन्होंने सिलेंडर चलता और सिलेंडर जो ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो तुरंत कंट्रोल रूम को मैसेज किया गया। मैसेज में कंट्रोल रूम की गाड़ी जो है वो करीब कर्मचारियों से यहाँ पहुँचा और उन्होंने इंस्टीट्यूशन की सहायता से इसको बुझा दिया। अभी आपके सामने ही है एलपीजी का सिलेंडर। इसमें दिक्कत ये है कि अगर जिस तरह से आपसे इन्होंने ऊपर से फेंक दिया था, अगर ये नीचे ब्लास्ट हो जाता या फट जाता सिलेंडर, तो कितनी गाड़ियाँ इधर कितना मतलब ज़्यादा लॉस हो सकता था। बजाय इसके फेंकने के अगर इसको अंदर ही ऊपर एक्सट्रूसर लगे हुए हैं, तो लगता है कि कुछ कर्मचारियों को उन एक्सट्रूसर के प्रयोग का पता नहीं है। तो अभी जा रहा हूँ मैं, उसका कुछ नहीं, तो जो भी इसमें बीच में कमी पाई गई है उसको पूरा करें। अभी ऊपर से एक्सट्रूसर सिलेंडर को फेंक दिया, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि थोड़ी है थोड़ी इनको जो ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो करेंगे अभी जाके ट्रेनिंग देंगे थोड़ा सा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना हो तो उसको मौके पर इस तरह से सिलेंडर को नीचे ना फेंकने के बजाय उसको वहीं पर एक्सटिंग्विश किया जाए।